नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये दीपावली का दिन है। आज की मैंने फुल वीडियो ब्लॉग आप सभी के लिए बनाकर लाई हूँ। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या दीपावली में तैयारी की, कैसे हमने अपने घर को डेकोरेट किया और कैसे हमने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की, साथ ही हमारी सोसाइटी में कैसे सेलिब्रेशन हुआ है, तो दिवाली सेलिब्रेशन ब्लॉग आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ। दोस्तों, ये सुबह का टाइम है, दीपावली के सुबह 10-11 बजे का टाइम है और बच्चे अपने घर के बाहर जो लॉबी है उसमें डेकोरेशन कर रहे हैं। और यहाँ हर साल हम लोग, यहाँ हमारी सोसाइटी के ही बच्चे हैं जिसमें राधा, आदित्य और उसकी फ्रेंड्स हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं और सब बच्चे मिलकर रंगोली बना रहे हैं। ये सारे बच्चे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और बचपन से करीब 14 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पूरे प्रेम भाव से बच्चे यहाँ स्वस्तिक की डिज़ाइन बना रहे हैं और आदित्य थोड़ा नॉटी है तो सबने उसे किनारा कर दिया। उसे रंगोली आ तो नहीं रही है पर जैसे तैसे वो रंगोली बना रहा है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ये राधा ने अपने हाथों से बहुत अच्छा घर के मुख्य द्वार पर डेकोरेशन किया है और साथ में यहाँ माँ लक्ष्मी की पदचिन्ह बनाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यार से उसने अल्पना बनाई है। दोस्तों, मैं इस ब्लॉग में छोटी चीज़ बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे हमने अपने पूरे घर को डेकोरेट किया है तो मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुई है, करीब शाम का 5-6 बज रहा है और बिल्कुल लगभग हमारा पूरा घर तैयार हो गया है। जैसे हमने इसे दीपावली के पहले शॉपिंग की, कुछ कर्टन, कुछ सोफ़ा कवर, नई नई कपड़े वस्त्र सब लेके आई हूँ। तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मैं फुल वीडियो अपने घर का डाल रही हूँ कि कैसे हम सभी ने दीपावली सेलिब्रेशन किया और साथ ही जो भी हमने आने साथ। तो दोस्तों, मैं अभी तैयार नहीं हुई, यहाँ पर पूजा का सारा सामान आप देख सकते हैं कि मैं पूजा का सारा व्यवस्था करके अब मैं अपने आप को नहा धो के तैयार करने जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग पूजा पर बैठेंगे और पूजा पाठ करने के बाद हम लोग काली पूजा पर चलेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमने क्या क्या तैयारी की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फिर से मैं यहाँ पे तैयार वार हो गई हूँ और हमने लगभग पूजा की सारी तैयारी कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पूरा पूजा का जो सामान है वो तैयार करके रखा है और यहाँ पर अब हम लोग बैठेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे। साथ में यहाँ देख सकते हैं कि राधा बिल्कुल तैयार हो गई ट्रेडिशनल ड्रेस में और बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ के दिन। तो अब हमारे यहाँ शाम में संध्याकालीन प्रदोष काल हो गया और पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तो दोस्तों, पहले हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे, फिर कुबेर भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद हम काली पूजा के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी पूजा को शुरू करते हैं। साथ ही मैं आदित्य को आवाज़ लगा रही हूँ, वो दिख नहीं रहा है, वो थोड़ा बदमाशी करता रहता है। तो हम सब मिलके यहाँ पूजा करेंगे और इस तरह हमने यहाँ अपने पूजा घर को सजाया। छोटा सा पूजा घर है लेकिन हमारी बहुत इच्छा है कि हमारे घर में एक छोटा सा पूजा घर बने। फिलहाल फ्लैट्स में इतनी जगह नहीं होती है कि हम अलग से पूजा घर बनाएं। तो दोस्तों, हम अपने पूरे घर का हाउस वीडियो मैंने बनाई हूँ कि कैसे हमने अपने घर को डेकोरेट किया। यहाँ हमारी दीपावली की पूजा संपन्न हुई और हम सारे परिवार मिलकर आरती कर रहे हैं। इसमें आदित्य की बदमाशी आप देख रहे होंगे कि वो आदित्य पूजा में भी शामिल होना नहीं चाहता और साथ में कह रहा है कि लाओ मैं पूरे घर का ब्लॉग बनाऊंगा और मेरी साउंड ओरिजिनल रहने देना। मैंने कहा ठीक है, चलो पूजा तो करने दो, आओ तो सही। अब इसके बाद हम लोग पूजा समाप्त किए। बड़े मज़े से आरती कर रहे हैं। अरे मेरी दीदी है, तो दोस्तों चलिए, मम्मा अभी हमारे बैंक बैलकनी में आई है और देखिए दोस्तों,
का भी सिल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा हो रहा है बाहर का, सब लोग मस्त मगन हैं। देखिए सारे जगह लाइट चली हुई है। तो देखिए दोस्तों ये हमने सबने मिलकर रंगोली बनाई है। और ये देखिए दोस्तों ये मैंने बनाई है। अरे अरे मेरी मम्मा कह रही है इधर इधर। हेलो भाई, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि राधा पूजा के बाद हमारे यहाँ बेटियों से घर भरवाते हैं, तो वो घर भर रही है। तो ये प्रक्रिया बहुत प्राचीन है। यहाँ पूजा समाप्त हो चुका है, इसके बाद हम लोग अपने बेटियों से जो घर की लक्ष्मी होती है वो घर भरती है। पूजा के बाद हम लोग नीचे पटाखे जलाने जाएंगे। तो दोस्तों आप भी दीपावली की कैसे मनाई मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों मैं यहाँ पूजा समाप्ति के बाद हम लोग पूरी फैमिली नीचे उतर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर पंडाल लगा है काली मंदिर का, काली पूजा हो रहा है, चूँकि बंगाली कम्युनिटी यहाँ पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ सभी लोग घर में पूजा करने के बाद यहाँ दीप प्रज्वलित करने आते हैं। तो यहाँ पर जो जिसकी श्रद्धा है 11-21 करके दीपक जलाते हैं, और दीपक जलाने के बाद यहाँ भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के बाद अपने घर पहुँचते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग काली पूजा के लिए दर्शन के लिए जाएंगे, और वहाँ पर दर्शन के बाद वहाँ की छोटी सी ब्लॉग बनाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं काली पूजा पंडाल में।
तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी सोसाइटी का भ्रमण कराया है। कितनी खूबसूरती से हमारी सोसाइटी को पूरे कलरफुल लाइट से सजाया गया। ये काव्या है जो राधा की बेस्ट फ्रेंड है और यहाँ इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। यहाँ के बाद हम लोग मंदिर आए और मंदिर के बाद हम लोग पूरी सोसाइटी का लाइटिंग देखने के लिए निकले और बाद साथ में आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने अच्छी तरह से पटाखे फोड़ रहे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो इस तरह पूरा रात के 12 बजे तक हम लोग जगे रहे, लाइट और पटाखे रोशनी देखते रहे और साथ में आप दिखा सकते हैं कि कितने पटाखे फोड़े हैं। दोस्तों इंडिया में करोड़ों रुपए की पटाखे जलाए जाते हैं, पर दिवाली में मना बैंड होने के बाद भी आप देख सकते हैं कितने पटाखे बच्चों ने फोड़े हैं। लेकिन बच्चों को इसमें खुशी मिलती है तो इन्हें मनाने देना चाहिए। अब हम लोग लगभग काली पूजा के पंडाल तक पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम माँ काली के दर्शन आप सभी को करवा सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल निर्माण हुआ था। तो दोस्तों ये काली पूजा रात भर तक होती रही। लोगों ने दुर्गा पूजा, बंगाली कम्युनिटी ने इस दुर्गा पूजा को रात भर मनाया। तो आपको भी माँ काली के दर्शन करवाते हैं। मैं दिवाली के अवसर पर काली पूजा के पंडाल में पहुंची हूं और यहां पूजा रात भर होगा क्योंकि अमावस्या के दिन ही माँ काली का पूजा होता है। फिर साथ में खिचड़ी प्रसाद का वितरण होगा और साथ में यहां पुष्पांजलि का भी आयोजन किया गया। यह परंपरा इस वर्ष शुरू हुई है और यह हर साल फिर अगले नेक्स्ट वर्ष में मैं वीडियो बना के आप सभी के लिए डालूंगी।